आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ से अभियोजकों और विवेचकों की कार्यशाला का उद्घाटन करने पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं और बताते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं। आज जिस विषय पर आज अभियोजकों और विवेचकों के मुद्दे पर पहुंचे, वहां पर साइबर क्राइम विवेचना और महिलाओं एवं बालकों के विरुद्ध अपराध पर हर कानून अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि उसकी परिपूर्णता का अंदाजा इस बात से लगता है कि उसको लागू करने वाले लोग और उसके साथ जुड़े हुए लोग कौन से हैं, उनकी प्रवृत्ति क्या है, उनकी सामर्थ्य और उनकी क्षमता क्या है, ये स्वनिर्भर करता है। मैं इस बात को मानता हूं कि पिछले 2-2.5 वर्ष के दौरान इस दिशा में बेहतर करने का प्रयास हुआ है। बालिकाओं से संबंधित और महिलाओं से संबंधित अपराधों को ध्यान में रखकर के हम लोगों ने जब इसको लेकर के स्वयं मैंने एक कमेटी गठित की थी, और कमेटी गठित करने के बाद मैंने इस बारे में जानने का प्रयास किया कि आखिर इन मामलों में समयबद्ध ढंग से कार्रवाई होने के बाद भी इन मामलों में बढ़ोतरी का कारण क्या है। तो मैंने इस नए निष्कर्ष पर पहुंचा कि जनपद स्तर पर कोऑर्डिनेशन का अभाव, अपराधी गिरफ्तार हो रहा है, अपराधी के खिलाफ समय पे चार्जशीट भी दाखिल हो जा रही है, लेकिन वर्षों से मामले लंबित पड़े हुए हैं। तो मैंने 12 जुलाई को और उसके उपरांत 12 जून को और उसके उपरांत भी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन में इस बारे में उनसे कहा कि अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से हम लोग प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे कार्यों को एक बेहतर परिणाम तक पहुंचा रहे हैं, और पहले से इस बात की व्यवस्था है कि जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी गठित है। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक डिस्ट्रिक्ट जज के साथ बैठक करके प्राथमिकता तय करें। पास्को से संबंधित मामलों में अगर हम प्राथमिकता तय करते हुए समयबद्ध ढंग से भी विवेचना और चार्जशीट की उस किसी भी एक मामले को लेकर के समयबद्ध ढंग से उसमें प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ा दें, तो एक अपराधी को हम लोग समय से सजा भी करा देंगे। और न्याय के बारे में तो यही कहा जाता है कि समय से मिला हुआ न्याय ही न्याय कहलाता है। अगर न्याय समयबद्ध नहीं है तो उसके बाद तो फिर उसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, कभी गवाह मुकर जाता है, कभी वादी ही थक हार करके निराश होकर के घर में बैठ जाता है, और बहुत सारी चीजें उसके बाद फिर देखने को मिलती हैं। और इसीलिए डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो तथ्य और जो परिणाम सामने आए, हम लोगों ने देखा इसी प्रदेश में पिछले 6 महीने के अंदर अपराध घटित होने के 6वें दिन 7वें दिन चार्जशीट दाखिल होती है, और उसके बाद डे टू डे की सुनवाई के बाद 5वें 6वें दिन अपराधी को सजा भी हो जाती है। ये तत्काल घटित घटना पर अगर तत्काल सजा हो जाती है तो ये अपने आप में एक मैसेज है, एक बड़े तबके तक मैसेज है। अन्य ऐसी इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति से संलिप्त अन्य तत्वों के सामने भी ये उनके लिए भी एक चेतावनी होती है,
और जब तक अपराधी के मन में भय नहीं होगा तब तक वह कानून का सम्मान करना नहीं सीखेगा। इसलिए इस व्यवस्था को, इन दोनों की एक बड़ी भूमिका हो सकती है सुशासन की स्थापना में, जो विवेचना के अधिकारी गण हैं और दूसरा जो अभियोजन के अधिकारी गण हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि विवेचना एक स्वस्थ परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाते हुए, हम ठोस तथ्यों और साक्ष्यों पर उसको आगे लेकर के चले। किसी निरपराध व्यक्ति के खिलाफ अनावश्यक रूप से कोई कार्रवाई न होने पाए, लेकिन कोई अपराधी भी बचने न पाए, इसलिए समय पर विवेचना करते हुए चार्जशीट दाखिल करना, और जब हमने अपनी कार्रवाई विवेचना अधिकारी के द्वारा संपन्न हुई तो अभियोजन से जुड़े हुए अधिकारियों का दायित्व बनता है कि हम इसको समयबद्ध ढंग से एक निष्कर्ष तक पहुंचाने की कार्रवाई भी करें। और ई प्रोसिक्यूशन की आवश्यकता इस देश से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले 6 महीनों के दौरान आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश जो सबसे पीछे पायदान पर था, आज देश के अंदर नंबर 1 पर आ चुका है। और मुझे लगता है कि हर एक मामले में ई प्रोसिक्यूशन के माध्यम से हम लोगों को हर एक मुकदमे के बारे में सही जानकारी लेने, किस स्तर पर है, कैसे पैरवी इसको आगे बढ़ाना है, न केवल आप लोगों को बल्कि शासन में बैठे हुए अधिकारियों को भी इसमें काफी मदद इसके माध्यम से मिल सकती है। महिला संबंधी अपराध हम सबके लिए चैलेंज बना हुआ है, और इसीलिए अभी हमारी सरकार ने 218 ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। हम इस प्रक्रिया को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। साथ ही साथ आज के दिन पर हम सबके सामने एक चैलेंज बना हुआ है साइबर क्राइम की नई प्रकृति के सामने। निरंतर उसका जो नेचर बदलता हुआ दिखाई देता है, और कोई दिन ऐसा नहीं कि जिस दिन ये हम सबके सामने एक चैलेंज के रूप में ना आता हो, और मैं चाहूंगा कि हम में भी उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना। और इसीलिए हमारी सरकार ने इस बात को तय किया कि हम प्रदेश के अंदर हर रेंज स्तर पर एक एक साइबर थाना और एक एक फॉरेंसिक लैब की स्थापना हम लोग हर रेंज स्तर पर करेंगे, और इस पर हमने कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ा दी। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार का अपना एक फॉरेंसिक और पुलिस यूनिवर्सिटी भी होगी, जिसके माध्यम से हम अपराध की प्रभावी नियंत्रण करने के साथ साथ कानून का राज स्थापित करने से संबंधित इन सभी मामलों को लेकर के तेजी के साथ आगे कार्य कर सकें। आज का यह जो सम्मेलन का उद्घाटन, आज जो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन यहाँ पर हो रहा है, मुझे विश्वास है कि आप सब इन 2 दिनों के अंदर महिलाओं, बालकों और साइबर क्राइम से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर एक ठोस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, व्यापक कार्य योजना बना करके प्रदेश में सुशासन की स्थापना करने में, कानून की राज के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आप सब अपने इस भूमिका को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। इस पूरे आयोजन के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। आपने तो इस बुलेटिन में